इसराइल ने फिर शुरू किया अपना जुल्म। मकबूजा बैतुल मुकद्दस में फायरिंग करके एक फलस्तीनी खातून को कर दिया शहीद। माई आफाना नामी खातून पर लगाया चाकू से हमला करने का इल्जाम। तुर्की और आजरबैजान की बढ़ती जा रही है दोस्ती। आर्मेनिया से हासिल किए गए शहर शोशा में एर्दोगान ने की आजरबैजान के सदर अलहाम अलियूफ से मुलाकात, किए कई अहम मुआहदे। अब इराक़ में अमेरिकी अफवाज के लिए ज़मीन की जा रही है तंग। इराकी सूबे अलंबार के शहर सकलाविया में अमेरिकी फौजी काफिले पर हमला, बम धमाके से दो फौजी गाड़ियों को पहुंचा शदीद नुकसान। भारत में बनने वाली बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ है 90% असरदार, बनेगी गेम चेंजर, अक्टूबर के महीने में होगी अवेलेबल। नरेंद्र मोदी ने मुल्क की इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए सबको मुत्तहद होने की अपील की, कहा पूरी दुनिया में मची हुई है अफरा तफरी, इस मायूसी से निकलना होगा। और इंडियन मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, फी तोला सोने की कीमत में 786 रुपए तक की कमी, चांदी की फी किलोग्राम कीमत में भी हुई कमी।